हेलो बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की सेना। थोड़ा सा लेट बट स्टिल आ गया आपके सामने अनएकेडमी पर, आपके यूट्यूब चैनल यहाँ पर मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी बच्चे हैं लाइव आ जाएं। बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है आज का, और इस सेशन में हम ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जिन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपका वेरीफाइड लीजेंड एजुकेटर सुनील कुमार गुप्ता, 15 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस। कोशिश बढ़िया, और आप बताइए कैसे हैं? बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं? आपके दोस्त जितने भी आते हैं क्लास में, सबका स्वागत, सबका स्वागत, सबका साथ, सबका विकास। हेलो, हाय एंड वेलकम। आ गए राहुल खड़कने की। यस, जल्दी जल्दी आते जाइए, आप लोगों का बहुत बहुत वेट हो रहा था। मैं बढ़िया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अरमान, विशाल, सभी का स्वागत। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। यू विल बी गेटिंग रेगुलर अपडेट्स ऑफ द क्लासेस एट्सेट्रा। जो भी आपको क्लासेस की अपडेट्स वगैरह हैं यहीं से मिलेंगी। मेरी प्रोफाइल फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर प्रोफाइल में आपको सुपर 25 का जो प्रैक्टिस कोर्स दिख रहा है, दिस इज द बेस्ट कोर्स ऑन एन अकेडमी। ठीक है ना, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आदित्य सिंह, हाय राहुल, अमान, अरमान एंड विशाल, सभी का स्वागत। और ये क्रैश कोर्स, कैप्सूल कोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री का, और इसके इस क्लास के तुरंत बाद इंडियन ज्योग्राफी का NDA का कोर्स चल रहा है। प्राइस है, हाइक थोड़े दिन के लिए रोक दिया गया है, तो आप अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं NDA की अगली तैयारी के लिए तो यूज़ करिएगा USK10, और USK10 यूज़ करने पर 10% क्या हो जाता है, फीस ऑफ हो जाता है। ठीक है ना, योद्धा NDA 1 2022, इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज में आप आइए, आपका स्वागत है। हमारी अनअकैडमी की टीम ने बेस्ट टेस्ट तैयार किए हैं। कहीं पर भी आपको कोड की जरूरत हो, USK10 ही यूज़ करिएगा। अभी आप तो पता ना हो तो आपको पता है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने पर ही सारी फैसिलिटीज़ होगी, और ये लर्निंग ऐप आपका प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आप दोनों पर ही डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट, शुरू किया जाए। लेट्स क्रैक इट, शुरू करें बच्चे। चलिए, पहला, सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय हूम। आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर देते जाइएगा। यहां पर जो इंग्लिश का वर्ड है, इस वर्ड को नहीं ध्यान देके इंग्लिश हिंदी का वर्ड भी आप देख सकते हैं। ये अलेक्जेंडर लोधी नहीं होता है, इट्स सिकंदर लोधी। ये अलेक्जेंडर गूगल का कृपा से बन जाता है सिकंदर। एक आंसर आ चुका है डी, बहुत बढ़िया। आप लोग भी आंसर बताओ भाई। आगरा शहर की स्थापना फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोधी, इनमें से किसने स्थापित किया था? आगरा शहर को किसने एस्टेब्लिश किया था? मोहित, वेरी गुड। विशाल, बहुत बढ़िया। आप लोगों का आंसर देख के बड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि आप लोग कर रहे हैं आंसर। जैन, सिमी मेहरा, इट्स सिकंदर लोधी। कब किया था? 1504 में, 1504 में स्थापना किया था। ठीक है ना, इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार, पंचतारा सर्टिफाइड प्रश्न, याद रखिएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस साल में पारित किया गया था, ये आपको बताना है। वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया था, आपको ये बताना है ना। बताते जाइएगा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए
एक बहुत इजी क्वेश्चन है, या बहुत बढ़िया। 1972, इसमें कितने स्केड्यूल्स हैं ये बता दो। हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर दियर? आपको पता है 6 अनुसूचियां हैं। चंचल, इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच जाए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉस्मोस? यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कॉस्मोस नाम की किताब, उस कॉस्मोस बुक का ऑथर कौन, कॉस्मोस नाम की किताब का ऑथर कौन है? कॉस्मोस नाम की किताब का ऑथर कौन है बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिए हैं। एलेक्जेंडर हम्बोल्ट, इजीली इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ कोस्टल स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा तटीय राज्य नहीं है बताइए। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं, आंसर बताओ। कौन जो है ये तटीय राज्य नहीं है? अब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना। जय माता दी विक्रम राय ओझा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना। तटीय राज्य ना हुआ कौन सा, विच वन इज नॉट अ कोस्टल स्टेट, आंसर बताना है। देखिएगा यहां पर आंसर है तेलंगाना। भारत में 9 कोस्टल स्टेट हैं और इधर में 5 हैं और इधर में 4 है, इसमें से तेलंगाना नहीं है। तेलंगाना तो किसी भी तरह से ओशन से या लैंड से इंटरनेशनल बॉर्डर पर है ही नहीं। सभी लोग लाइक भी कर दो बेटा, इतने लोग जो वॉचिंग कर रहे हो ना, कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर दो बेटा। जितनी वॉचिंग है उससे ज़्यादा लाइक होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। लाइक करो सेशन, फटाफट लाइक करो। आप लोग क्या मतलब टाइम लगा रहे हो लाइक करने के लिए। द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन से गवर्नर ने, ये क्वेश्चन श्योर शॉट है एग्जाम वाले। हेलेबरी कॉलेज इंग्लैंड लंदन की जो है मॉडल पर ये बनाया गया था। हेलेबरी कॉलेज इंग्लैंड लंदन के जगह जैसा बनाया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल में ने किया था? तो इसमें याद रखिएगा रिचर्ड वेलेसली। कौन था? लॉर्ड वेलेसली था ना, वेलेसली। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, दिस इज द बेस्ट थिंग। लॉर्ड वेलेसली ने किया था लेकिन बाद में इसको खत्म कर दिया गया था। कॉर्नवालिस नहीं है, वेलेसली है, वेलेसली। लॉर्ड वेलेसली ने इसे बनाया था 1798 के करीब, स्थापित किया था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको बोला कि इस तरह के फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था, ये एक्चुअली भारत में सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे, जो भारत में काम करते ऑफिसर, उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था। जैसे आज आपका लाबसना है ना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल जो स्कूल ऑफ नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो जो है उसे। बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं बताइए। बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, आंसर यहाँ के कोड से देखकर बताना है। त्रिपुरा, सिक्किम, असम और मिजोरम, इनमें से। देहरादून में नहीं है, मसूरी में है, इट्स नॉट देहरादून, कशिश, मसूरी में है लाबसना। वेरी नाइस, आंसर बताइए किसका, इसका क्या होगा। बांग्लादेश की सीमा से लघु राज्य त्रिपुरा, सिक्किम, असम और मिजोरम,
1, 3, 4 असम सिक्किम नहीं है, सिक्किम का बॉर्डर लगता है केवल और केवल नेपाल भूटान और चाइना से और वेस्ट बंगाल से, बस ये है इसकी आइडेंटिटीज। लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स श्रीलंका, इजी क्वेश्चन, मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन में तो बहुत इजी हो जाता है, बताइए। श्रीलंका की ओर भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है? ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, चारों आंसर आ गया है। मान्या, हाउ आर यू मान्या, लाइक भी कर देना जो भी बच्चे आए हैं। इसका आंसर होगा धनुष कोडी, धनुष कोडी कौन से आइलैंड में है बताइए? धनुष कोडी किस आइलैंड में है? धनुष कोडी का आइलैंड का नाम बताइए, व्हाट इज द आइलैंड ऑफ धनुष कोडी? धनुष कोडी किस आइलैंड में है ये बताना है, धनुष कोडी किस आइलैंड में है? धनुष कोडी कौन से आइलैंड में है? रामेश्वरम में, रामेश्वरम में ये आइलैंड है, इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? इज इट अटाकामा, गोबी, सहारा या कलाहारी? चार ऑप्शन, आंसर फटाफट आपसे मिलना चाहिए और लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए धुआंधार तरीके से। वेरी गुड, ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे सूखा सहारा है? नहीं, सबको पता है इट्स अटाकामा। कॉन्टिनेंट का नाम बताइए, अटाकामा कौन से कॉन्टिनेंट में है? यह है साउथ अमेरिका में। इसी अटाकामा डेजर्ट में एक प्लेस है, नाम है एरिका। इसी अटाकामा में एरिका नाम की जगह है जो दुनिया की सबसे सूखी जगह कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ फोंडिवोस बहुत इंपॉर्टेंट, किसके किसके बीच में होता, मतलब कम से कम 10-15 बार करा चुका हूँ, सारी क्लासेस अगर ले लिया जाए तो वी हैव डन इट फॉर मोर देन कितना टाइम, हम कह सकते हैं इसको कम से कम 10-12 बार करा दिया गया है। बैटल ऑफ फोंडिवोस, एक ही आंसर आया है, पता नहीं कैसे आप लोग पढ़ते हो, पढ़ाई लिखाई तो आपने सब छोड़ रखी है। इस ब्रिटिश और फ्रेंच राइवलरी का हिस्सा था और इट वॉज अंडर थर्ड कार्नेटिक वॉर, यानी कि सिमी सिमरन, आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है, आप यस सर कह रहे हैं, आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है क्या? अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड किसने किताब लिखी है? इंडिया इंडिया डिवाइडेड किसने किताब लिखी है? अरे यार, मेरे पेरिस में थी, हाँ ट्रिटी पेरिस में थी, यस कशिश, अभी इसका आंसर दो। देखिएगा, इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
ओके, ग्रेट चैनल सेपरेट्स विच टू कंट्रीज? कौन से दो देशों को ग्रेट चैनल सेपरेट करता है? ग्रेट चैनल कौन से दो देशों को अलग करता है? इंडिया श्रीलंका, इंडिया इंडोनेशिया, म्यांमार इंडिया और इंडिया मालदीव्स? ग्रेट चैनल कौन से? नया बैच चंचल कुमारी, एडमिशन ले लो और एडमिशन कराओ। जितने भी जानने वाले आपके बच्चे हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, यूएस के सर्टेन इस कोर्ट से अनएकेडमी पर लाइए और इनको 10% फीस में ऑफ भी हो जाएगा, और जल्दी जल्दी एडमिशन करा दो, है ना? ये कोड चारों तरफ बोलना चाहिए। इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया श्रीलंका को कौन अलग करता है बताइए? जैसे ही आएगा बैच मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इंडिया श्रीलंका को कौन अलग करता है? इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है? ये करता है पाक स्ट्रेट, है ना? USK-10 नहीं है, USK-SIR-10। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 4 मार्क्स, इसमें आते हैं तो 4 नंबर, नहीं आते हैं तो फिर क्या नंबर? आते हैं तो 4 नंबर, नहीं आते हैं तो क्या नंबर? क्यों पांडे जी? पांडे जी, ओझा जी, है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? रामसर साइट्स कितने हैं? सी, चलो मान लिया, लो मान लिया हमने, यही है कैरेट निकी। इजी क्वेश्चन अब आपके लिए आ गया। एस आकार का महासागर कौन सा है? एस आकार का महासागर कौन सा है? ए फॉर एटलांटिक ओशन, ए फॉर एप्पल, कॉमर्शियल स्केल वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्लावर की एग्रीकल्चर, जिसमें ट्रक्स का यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली हर दिन। श्रीकांत गौर, कैसे हो बेटा? लाइक करो फटाक से, सबसे पहला काम आते ही लाइक करिए, शेयर और शेयर करिए। इट इज ट्रक फार्मिंग, ये क्या है? इट्स ट्रक फार्मिंग, ये ट्रक फार्मिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलग होता है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? पानी में खेती। डेयरी तो आपको पता है, मार्केट फार्मिंग तो पता है, मार्केट ओरिएंटेड खेती करना। विच आर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर फीड्स द कैनल सिस्टम ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट? भाखड़ा नंगल परियोजना को कौन सी जो नदी है पानी देती है बताइए आंसर। भाखड़ा नंगल परियोजना को कौन सी नदी पानी प्रदान करती है, जल प्रदान करती है? भाखड़ा नंगल परियोजना को देखिएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, हम बात करते हैं तो नहर प्रणाली जो है, जो इसमें काम करती है, तो ये नहर प्रणाली है सतलुज नदी, ठीक है ना? सतलुज पर ही एक बैराज बनाया गया है हरिके, और हरिके बैराज जो है, यहाँ से हरिके बैराज से ही कौन सी नदी निकलती, मतलब कैनाल निकाला गया है, इंदिरा
गांधी कैनाल, ये अलग है और ये अलग है, सतलुज के लेकिन भागड़ा दंगल वाला है, ठीक है ना। अलग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। न्यूजीलैंड को किस आइलैंड के ग्रुप में कंसीडर किया जाता है? शरद मौर्य, आपका नाम लिया जा रहा है शरद। एक बार क्या दो बार? शरद 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 शरद, हाँ इट्स पॉलिनेशिया। माइक्रोनेशिया का कोई हिस्सा पता है आपको? माइक्रोनेशिया का हिस्सा, मेलिनेशिया का हिस्सा, मैप देख लेना बेटा, इसका मैप जरूर देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, आपको यहां पर मैप देख लेना है, ठीक है ना। गो थ्रू मैप, एवरी मैप, हर चीज मैप, इसका एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। 17वां क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फिश एंड अदर सी फूड्स कहां मिलते हैं? जितने भी सी फूड हैं या मछली वगैरह कहां से प्राप्त होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा लैंड है और ये जो हमारा ओशन है, उसमें ओशन में कई तारे एरियाज होते हैं, तो आपको ये पता होगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, प्लेन होता है, ट्रेंच होते हैं, तो यहाँ पर जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही सब कुछ मिलेगा। और जितना ज़्यादा वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है उतना ही ज़्यादा, श्रीकांत गौर मैं बस आप लोगों का प्यार है बेटा, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है उसी पर सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि उसकी स्लोप कम होती है और सब जाके वहीं पर रुका रहता है। स्ट्रॉम्बोली किस तरह का वॉल्केनो है, कल पढ़ाया है मैंने कुछ बच्चों को, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है उन्हीं को पढ़ाता हूँ, है ना। स्ट्रॉम्बोली किस तरह का वॉल्केनो है? गुड, ये एक्टिव है। इंडिया में एक्टिव बताइए, इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कोई है? इंडिया में एक्टिव कौन सा है? बैरन। और अगला क्वेश्चन देते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे, ये आप लोग क्वेश्चन बताओ, क्या बताना है? इंटरनेशनल टाइगर डे बताइए, बेटा एसएसबी का जो एक्सपीरियंस है ये अभी रिटर्न के बाद ही शेयर होगा। कशिश अलावा क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आंसर कर रहे हैं? सत्ताईस जुलाई ऐसे बोल रहे हैं, 27 जुलाई क्वेश्चन मार्क, आंसर बताओ भाई, है ना। शरद मौर्य, वेरी गुड, ये है 29 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 20वां क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर नदी के किनारे नहीं है? अभी मैंने रिवीजन कराते समय इंडियन ज्योग्राफी में इस शहर की चर्चा भी किया है मैंने। वही क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब ही डाउट होता है, मैं समझ रहा हूं बेटा। इसका याद है आपको इस क्वेश्चन का, याद है भाई कौन सा भारतीय शहर नदी के किनारे नहीं है? हाँ वेरी गुड,
इट्स भोपाल, इट्स भोपाल, ये भोपाल है। विच वर्ड डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल लेंथ, दिन और रात बराबर होते हैं, तो कौन सा शब्द है ये जो डिफाइन करता है इक्वल डे और नाइट को, कौन सा वर्ड है जो डिफाइन करता है? इक्वल और डे और नाइट डिसाइड करता है सी, नहीं बी है, इक्विनॉक्स। कौन सा डेट है? 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। इन क्रॉप्स को इनके एरिया के प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन एशिया मिलाई, कौन से जो है मिला हुआ है बताना है, मिलाना नहीं मिला हुआ है। सोयाबीन एमपी, पोटैटो यूपी, आंसर आपसे बताइए कि कौन से मैच्ड हैं, बताओ। आंसर अभी तक एक भी नहीं आया, क्या मतलब क्या करते हो तुम लोग हैं? कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई ओनली वन बता रहा है, कैसे चलेगा इसे भाई? तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन एमपी और यूएसए में होता है, और आलू का सबसे अधिक उत्पादन यूपी में और चाइना में होता है। तो सही है ना, दोनों सही है। आलू का सबसे अधिक उत्पादन यूपी में ही तो होता है, हैं? आलू का सबसे अधिक उत्पादन यूपी में ही होता है, और कहीं पर होता है? यूपी में ही होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लिया जाए। कॉन्गो रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, कॉन्गो रिवर कैंसर को पार करती है दो बार, लिम्पोपो रिवर कैंसर ट्वाइस, बताएंगे कौन सा सही है, करेक्ट बताना है। कॉन्गो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार पार करती है, और एक दिया गया है स्टेटमेंट अबाउट द थिंग, ये दोनों में से आंसर बताइए। बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड, दोनों ही कैंसर को दो बार पार करती हैं, दोनों में ही कैंसर है, एक तो गलत ही है। विशाल ये कहां से आंसर लाए? कैसे? यस, कॉन्गो रिवर इक्वेटर को करती है, तो इसका मतलब ये गलत है। और लिम्पोपो रिवर किसको पार करती है? लिम्पोपर आपको समझ में आया क्वेश्चन किस लेवल का हो सकता है? समझ में आया क्वेश्चन किस लेवल का हो सकता है? हैं? फ्यूज ही करता है क्वेश्चन। आंसर बताइए,
पतन और कारण का है। विशाल सब पढ़ा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका आंसर बताइए। क्या होगा आंसर? सब अपना अपना आंसर दे दो, लेकिन यहां पर आंसर है बी। देखिए अगर यहां पर बिकॉज लगा के देखिए, दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं। हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल एंड हिमालयन रिवर्स फॉर्म डेल्टा। तो बताइए हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल बिकॉज हिमालयन रिवर्स फॉर्म डेल्टा। उल्टा करिए, हिमालयन रिवर्स फॉर्म डेल्टा बिकॉज दे आर पेरिनियल, तब सही होता। शरद मौर्य मास्टर जी समझाए, समझ में आया? सुदीप सामंता ए करवाया था, ए नहीं। अगर ए करवाया नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट आर, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदियां हैं? अगर करवाया था तो चेक इट, बताइए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? विच आर द रिवर्स दैट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदियां हैं? तीनों नदी ही हैं, मुझे भी पता है, नर्मदा, तापी, इंडस। चलो आपको बात मान लिया, नर्मदा और तापी यहां पर है, नर्मदा और तापी और इंडस ये है, है ना, नॉर्थ में, पश्चिम की ओर ही बहती है, भले ही कहीं और है लेकिन जाती तो पश्चिम की ही ओर है ना, अल्टीमेटली इसका वेस्ट ही फ्लो है, पक्का वाला। नॉर्थ साउथ दूरी कितनी है इंडिया की? जल्दी जल्दी आंसर करिए, पांच क्वेश्चन और। इंडिया की नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है? इंडिया से नॉर्थ, इंडिया में नॉर्थ और साउथ की दूरी कितनी है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंडिया के नॉर्थ से साउथ की दूरी पूछा है ये वाली, बत्तीस चौदह किलोमीटर। सत्ताईसवां क्वेश्चन, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, सबसे बड़ा, बाद में साउथ हो जाती है, अल्टीमेटली इधर से इधर ही तो जा रही है, घूम पे फिर के ही तो जाए, पहले तो नॉर्थ की तरफ जाती है लेकिन अल्टीमेटली इसका डायरेक्शन देखें तो वेस्ट की ही तरफ तो है। शरद मौर्य इट्स कजाकिस्तान, यहां पर तो कोई सोचना ही नहीं है, दूसरा चॉइस यानी कि कजाकिस्तान ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 40 डिग्री ईस्ट पर 6:37 पीएम हो तो 29 डिग्री वेस्ट पर कितना होगा? ऐसे करिए 40 डिग्री ईस्ट और इधर 29 डिग्री वेस्ट होता है 69 डिग्री, यानी कि 4 घंटे 36 मिनट, माइनस कर दीजिए 2 बज के
1 PM सी का जलवा, 4 घंटे और 36 मिनट माइनस करना है। ठीक है, कैस्पेंसी क्या है? समुद्र है। कशिश अहलावत, कैस्पेंसी समुद्र है क्या? कैस्पियन सी इज नॉट ओशन, कैस्पियन सी लेक है। तो लेक तो कहीं पर भी होती है, तो अगर दो कंट्रीज के बीच में लेक है तो वो समुद्र से लगता है, लैंड लॉक नहीं होगा, चाहे युगांडा हो चाहे तंजानिया हो। गुड मॉर्निंग नैन्सी, हाउ आर यू? व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स इंडिया इंटू टू पार्ट्स? नैन्सी बड़े लेट आए हो, बताइए। इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स इंडिया इंटू टू इक्वल पार्ट्स, वो काल्पनिक रेखा जो इंडिया को दो भागों में बांटती है, इसे क्या कहते हैं? इट्स बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द साउदर्न टिप ऑफ विच साउथ अमेरिकन आइलैंड, द साउदर्न टिप ऑफ विच साउथ अमेरिकन आइलैंड is known as Cape Horn. Southern tip of which southern island, South American island, is called Cape Horn? Answer बताइए। 23:30 है प्रकाश, 22:30 कर दो, 23:30 है, उसको क्या कह रहे हो? वो भी परेशान हो जाएगा। आंसर बताइए इसका, केप हॉर्न कहां पर है? इट्स टीडीएफ, टेरा डेल फ्यूगा। और यहां पर कौन सा स्ट्रेट है जो इसको अलग करता है? यहां पर कौन सा स्ट्रेट है जो इसको अलग करता है? यह है मैगलन स्ट्रेट, है ना, ये टीडीएफ है, टेरा डेल फ्यूगो। क्लियर? इसके बाद 11 बजे हमारी क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी इन द क्रैश कोर्स प्लस, ये वाली क्लास होगी 11 बजे, लगातार हमारी क्लासेस रहेंगे। फिर 1 बजे ये होगी, 11 बजे ये होगी, फिर 1 PM ये होगी, ठीक है ना? ठीक है, चलिए आप लोग इस टेस्ट को देते रहिए, प्लस योद्धा सीरीज का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको भी ज्वाइन करिए। बेटा चंचल, न्यू बैच का डिटेल अभी किसी भी एजुकेटर के द्वारा मिल रहा है क्या? एनी एजुकेटर अनअकैडमी पर? यस, ये अनअकैडमी पर प्लस पर है, प्लस पर। बताइए कोई भी एजुकेटर आपको बता रहा है तो बताना, नहीं है अभी डिटेल हमारे पास भी नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? यस, प्लस 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 प्लस। चलिए ठीक है बच्चे।